देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता जा रहा है खतरा। देश में अब तक कुल 415 मरीज सामने आए। देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस। महाराष्ट्र में अब तक 108 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का दूसरा नंबर। राजधानी दिल्ली में अब तक 79 लोग ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,179 नए मरीज सामने आए। देश में अभी भी 70,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। सावधानी बरतने को लेकर आगाह कर चुके हैं पीएम मोदी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत के चलते देश में फिर शुरू पाबंदियों का दौर। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगी लगाम। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों पर प्रतिबंध। रात 9 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग जमा होने पर रोक। नए गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में आधी क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर, होटल, जिम। शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों की इजाजत। उत्तर प्रदेश में भी लेट नाइट पार्टियों पर लगा आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। हरियाणा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू। 1 जनवरी से दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही मिलेगी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश। अहमदाबाद, वडोदरा समेत गुजरात के 8 शहरों में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का वक्त। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा लागू। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू है नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक में पार्टियों पर पहले ही दिन बैन काला। ओडिशा में सभी तरह की सार्वजनिक पार्टियों पर रोक। पाबंदियों के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस। दिल्ली में भी नए साल के जश्न पर लग चुका है ग्रहण। आज और कल ऑड इवन के आधार पर खुलेगी दुकानें। बाजारों में उमड़ रही भीड़ को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। अवैध रेहड़ी वालों पर सख्ती के आदेश। शोपिया में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े थे। शोपिया में सुरक्षा बल से हुई मुठभेड़ में कल एक आतंकी किया गया था ढेर। अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज। श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे पीएम मोदी। गुरुग्राम के पटौदी में एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़े कार्यक्रम में कुछ लोगों ने डाली खलल। मचाया उत्पात, जय श्री राम के लगाए नारे। हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर हुए विवाद और मुकदमेबाजी पर संत समाज ने प्रकट किया रोष। का धर्म संसद में कुछ गलत नहीं कहा गया। आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, इसके लिए हथियार भी रखने होंगे, उसका उपयोग भी करना होगा। कोई ऐसी बात भी है जो न करने योग्य हो। अपनी आत्मरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और उस आत्मरक्षण के लिए हथियार उठाना हमारा उत्तरदायित्व और हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। धर्म संसद के संचालक परमानंद ने कहा एक नहीं 2-4 FIR हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे के मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे वाले बयान पर बरसे महंत लोकेश दास। कहा देश में मोदी योगी के रूप में है दो शेर। यदि इस देश को बचाना है तो योगी जी का, मोदी जी का खुलकर समर्थन करना है। इस देश को बचाने के लिए 2 ही शेर है हमारे पास, मोदी जी और योगी जी। महंत लोकेश दास तो छाती ठोक कर उनका समर्थन करता है। आज गाजियाबाद में रोड शो निकालेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। यूपी से पहले चुनाव से पहले यूपी के युवाओं को योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। आज लखनऊ में मुफ्त बांटेंगे 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट। कानपुर में इस व्यापारी पीयूष जैन के घर छापे में 150 करोड़ की नकदी बरामद। लोहे के बक्से में कैश रखकर ले गई इनकम टैक्स की टीम। करीब 36 घंटों तक चला पीयूष जैन के घर पर छापा। गुरुवार रात से लेकर शनिवार दोपहर तक होती रही 21 बक्सों में भरे नोटों की गिनती। पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से संबंधों के आरोप। रिश्तेदारों के मुताबिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हैदराबाद में एक चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता पर हमला। दफ्तर में तोड़फोड़, टीआरएस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कैमरे में कैद हुआ वीडियो। प्रयागराज में वकीलों के 2 गुटों में झड़प। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के दौरान भिड़े वीडियो पर। अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की मौत। एक गंभीर रूप से घायल बेकाबू ट्रक ने कुचला। बेंगलुरु में एनसीबी ने बरामद की ड्रग्स की बड़ी खेप। एक अफ्रीकी मूल का तस्कर गिरफ्तार।
कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस ने अनोखे अंदाज में मनाया क्रिसमस। सांता बनकर बाइक ड्राइवर करने निकले। ओमिक्रॉन की दहशत के साए में देशभर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों में सीमित श्रद्धालुओं के साथ हुई प्रार्थना। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में मनाया गया भगवान जीसस का जन्मदिन। क्रिसमस के लिए नाइट कर्फ्यू में मिली है ढील। गोवा के गिरजाघरों में दिखी क्रिसमस की रौनक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया जीसस का जन्मदिन। दिल्ली के सबसे बड़े चर्च सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस पर नहीं हुआ सार्वजनिक आयोजन। पुलिस ने दूर से ही कर दी थी बैरिकेडिंग। मुंबई के चर्च में श्रद्धालुओं के लिए रहे बंद। लोगों ने बाहर से ही खड़े होकर की प्रार्थना। लुधियाना कोर्ट धमाके में सामने आया मास्टरमाइंड का नाम। पाकिस्तान में छिपा है गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा। रिंदा के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध। आईएसआई ने दी है पना। ब्लास्ट में मारे गए शख्स की गगनदीप के तौर पर शिनाख्त। इसी पर है बम प्लांट करने का शक। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था गगनदीप। ड्रग्स रैकेट से थे संबंध। 2 साल जेल में ही रहा। पंजाब के खन्ना में है गगनदीप का घर। शिनाख्त के बाद पुलिस और एनआईए की टीम ने ली तलाशी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लुधियाना में धमाके की जगह का किया मुआयना। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगी साजिश का पर्दाफाश। लुधियाना ब्लास्ट में एजेंसी को आईडी के इस्तेमाल का शक। ब्लास्ट वाली जगह पर मिले हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव। लुधियाना में शुक्रवार रात पुलिस का फ्लैग मार्च। कई जगहों पर ली तलाशी। पंजाब में हमले को लेकर खुफिया अलर्ट की खबर। लश्कर के 5 आतंकी कर चुके हैं घुसपैठ। 5 आतंकियों ने पाकिस्तान में ली है ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को पंजाब पुलिस के डीआईजी ने दिया था घुसपैठ का इनपुट।